कहाँ बच के जाएगा भाई, तू हो गया ना ढेर यहीं पे। लेट्स गो, एक और क्रिमिनल को मैंने पकड़ लिया गाइस अपने इस पुलिस हेलीकॉप्टर की हेल्प से। भाग रहा था हेलीकॉप्टर चुरा के ये, और मैंने एक ऐसी मिसाइल इस पर लॉन्च की जिससे गाइस इसके जो ये पंखुड़ियां हैं, जो हेलीकॉप्टर के जो प्रोपेलर है वो रुक गए और इसका हेलीकॉप्टर धड़ाम नीचे गिर गया। फिलहाल ये भी हेलीकॉप्टर से बाहर गिर चुका है। ओए चल बे, उठो ए, उठ। ऐसे गाइस तुम लोगों को पता नहीं है भाई मैंने कितने सारे चोर पकड़ लिए हैं। जब से मेरे को भाई ये पुलिस का स्पेशल हेलीकॉप्टर मिला है तब से अभी तक ये मेरा पांचवा चोर है गाइस। चार मैंने ऑलरेडी पकड़ लिए हैं, और वो जो चारों चोर थे उसमें से एक आध तो भाई चोरी करके भाग रहा था हेलीकॉप्टर से, तब उन लोगों को पकड़ा, और बाकी जो दो तीन चोर थे वो तो हेलीकॉप्टर ही चुरा के भाग रहे थे तब मैंने उन लोगों को पकड़ा। उनमें से एक ये भी है, ये भी हेलीकॉप्टर चुरा के भाग रहा था। फिलहाल मैंने डाउन कर दिया है, मैंने पुलिस वालों को कह दिया कि भाई यहाँ पर हेलीकॉप्टर पड़ा हुआ है, ले जाओ जिसका है उसे दे दो। और अभी फिलहाल इस चोर को मैं लेकर जाता हूँ गाइस पुलिस स्टेशन। बैठ बे बेटा, ज़्यादा चालाकी मत करियो भाई, खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं तेरी। ओके लेट्स गो गाइस, फटाफट से इसे लेकर चलते हैं अभी फिलहाल पुलिस स्टेशन की तरफ। एक और कैदी पकड़ा गया भाई, क्या तबाही मचा रखी है यार लॉस सैंटोस में। मेरे पास भाई पुलिस के सारे स्पेशल व्हीकल हो चुके हैं। मेरे पास भाई अभी पुलिस के स्पेशल बाइक भी है, पुलिस की स्पेशल सुपर कार भी है, पुलिस का स्पेशल हेलीकॉप्टर भी है। अब तो कोई ऐसा चोर ही नहीं है भाई जो मेरे चंगुल से भाग पाए, मेरे हाथों से निकल पाए। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है मेरे से बच के निकल जाए। फिलहाल इस चोर को लेकर चलते हैं हम लोग पुलिस स्टेशन। पहुंच चुके हैं गाइस अपने LSPD की तरफ। सिंपली इस हेलीकॉप्टर को लैंड करते हैं अपने हेलीपैड पे आराम से। काफ़ी मज़ा आता है भाई, स्पेशली जब मैं हेलीकॉप्टर से आऊँ पुलिस स्टेशन, मज़ा सा आ जाता है एकदम ही। लेट्स गो। ओके हो गया लैंड आराम से। आ जा बे बेटा, ज़्यादा चालाकी मत करियो, खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं तेरी। बड़ी मुश्किल से हाथ में आया तू, आ जा शांति से मेरे पीछे पीछे। चलो भाई लेकर चलते हैं इसे फटाफट से नीचे और जेल में डाल देंगे भाई, दिक्कत क्या है। ओए आ जाओ ए टकले, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए तो, यहाँ से भागने के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचियो भाई। सब जो पुलिस वालों का नॉर्मल हेलीकॉप्टर है उससे भी तगड़ा है मेरा हेलीकॉप्टर, क्योंकि मेरे हेलीकॉप्टर के अंदर स्पेशल वेपन्स लगे हुए हैं जो कि सीरियसली में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वेपन्स है। बाकी आ चुका हूँ मैं। ओए कहाँ है तू बेटा, शांति से आ जा, खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं। हेलो सर, एक और चोर पकड़ लाया हूँ मैं। अरे फ्रैंकलिन, तुमने तो तबाही मचा दी है जब से तुम्हें पुलिस का हेलीकॉप्टर दिया गया है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहे हो तुम। थैंक यू सर, बहुत ही ज़्यादा थैंक यू। ये तुमने तब से पांचवा चोर पकड़ा है। प्रमोशन के लिए सर कुछ हो जाता तो। मैं बिल्कुल बात करूंगा तुम्हारे प्रमोशन के लिए, टेंशन मत लो। ओके सर, चलता हूँ मैं अपनी ड्यूटी करने के लिए। ओके वेल डन फ्रैंकलिन। थैंक यू। वाह यार, इतनी बढ़िया वाली तारीफ सुनने को मिल जाए सुबह सुबह, और क्या ही चाहिए। चलो ढूंढते हैं एक आध और चोर पकड़ते हैं। अरे गाड़ी से क्यों जा रहे हो यार, मेरे पास इतना ब्यूटीफुल पुलिस हेलीकॉप्टर है, गाड़ी से कौन जाता है। चलते हैं फटाफट से हेलीकॉप्टर से। बस प्रॉब्लम एक यही है हेलीकॉप्टर की कि भाई उसको एक जगह चाहिए लैंडिंग के लिए, और ये उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ जब भाई एकदम सीरियस सिचुएशंस हो तब बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है ये। बाकी अभी फटाफट से छत पे चलते हैं, पेट्रोलिंग के लिए चलते हैं गाइस अपने पुलिस हेलीकॉप्टर के अंदर। शिनचैन पिनचैन तो पता नहीं भाई कब ही ड्यूटी पर आएंगे, क्योंकि ना ही वो टेलर आ रहा है और ना ही भाई उनके लिए ड्रेस मिल पा रही है, और उन लोगों ने कसम खा रखी है भाई जब तक ड्रेस नहीं मिलेगी तब तक वो लोग ड्यूटी पे आने नहीं वाले हैं। खैर छोड़ो उन लोगों को, हम लोग अपनी ड्यूटी बढ़िया तरीके से करते हैं भाई। चलते हैं फटाफट से लॉस सैंटोस के अंदर और देखते हैं भाई क्या ही सीन चालू है। कोई चोर अगर तबाही मचा रहा होगा तो दबोच लेंगे भाई हेलीकॉप्टर से ही, क्यों ना हो वो चोर। अब लॉस सैंटोस के लोग टेंशन फ्री हो जाओ, द पुलिस द फ्रैंकलिन आ चुका है तुम लोगों के बीच तुम्हारी हेल्प के लिए। कोई भी दिक्कत हो मेरे को बताओ भाई सबसे पहले। ओ वेट, फोन आ रहा है, अननोन नंबर से फोन। ओके उठाते हैं, पिक करते हैं। हेलो भाई कौन बोल रहा है। हेलो सर, यहाँ पर बीच पे बहुत ही खतरनाक चोरी करके भाग रहा है एक चोर। ओके बीच पे कहाँ पर भाई, लॉस सैंटोस के मेन बीच पे। यस सर लॉस सैंटोस के मेन बीच पे। ओके कैसे भाग रहा है वो। सर जल्दी आ जाओ सर, भाग रहा है वो। क्या क्या चुरा के भाग रहा है वो। सर एक ज्वेलरी की दुकान लूट के भाग रहा है वो, जल्दी जल्दी सर। ओके बीच पर पहुँचता हूँ मैं, बस अभी पहुँचता हूँ। वो तो रहा बीच, पर यार मैंने मिसाइल की फायर कर दी। ओके चलते हैं बीच पे गाइस, देखते हैं कौन सा चोर है भाई। मान ही नहीं रहा जो, तबाही मचा देंगे यार उसकी जिंदगी में। लेट्स गो गाइस, फटाफट से चलते हैं लॉस सैंटोस के बीच की तरफ।
चल मेरे हेलीकॉप्टर, चल भाई फटाफट। ज्वेलरी स्टोर से चोरी, बीच पे भाग के जाएगा कहाँ वो? फिलहाल बीच पर तो मैं पहुँच चुका हूँ गाइस। कहाँ भागा है भाई चोर, किससे पूछूँ मैं? फ़ोन किसने किया था एक तो? रुको ज़रा नीचे उतर के चेक करते हैं भाई, पूछते हैं फ़ोन किसने किया है। सिंपली लेट मी लैंड हेयर। ओए पानी के अंदर ना लैंड कर जाऊँ भाई हेलीकॉप्टर लेके मैं आराम से। ओके प्यार से बस आराम से। और यहाँ पर करते हैं एकदम प्यारी सी सॉफ्ट लैंडिंग और सिंपली उतरते हैं अपने हेलीकॉप्टर से। पूछते हैं भाई कॉल किसने किया था यहाँ पर। हेलो हेलो, अरे किसने कॉल किया था भाई? हेलो सर, हेलो। कॉल आपने किया था? नहीं कॉल मैंने नहीं, कॉल मेरे दोस्त ने किया था। अच्छा क्या हो गया, कहाँ पर है भाई चोर, कहाँ है जिसने ज्वेलरी स्टोर लूटा है? वो तो सर उधर की साइड गया, एक बोट लेके बड़ी सी। ओके बोट का कलर क्या है? येलो कलर की बोट है सर, वो तो पानी में निकल गया होगा। अरे ऐसे कैसे निकल जाएगा, छोड़ूंगा थोड़ा मैं उसे। लेकिन चोरी करके वो पानी के रास्ते क्यों भाग रहा है? ये तो पता नहीं सर। ओके कितनी दूर गया होगा? सर अभी तो पैदल ही गया है वो, उसे तो पता नहीं बोट भी मिली होगी कि नहीं अभी तक। अच्छा अभी पकड़ लेंगे भाई, कोई दिक्कत ना है। बोट, ओए वेट, उधर की साइड एक बोट है तो येलो कलर की, वो कहीं उसी के अंदर तो नहीं है वो चोर? मेरे को तो लग रहा है भाई। यस 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 गाइस, हो सकता है वो ज्वेलरी वाला चोर डेफिनेटली हो ना हो इसी वाली बोट के अंदर है वो। रुक जाओ गाइस अभी पकड़ लेंगे, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रुक जाओ अभी पकड़ लेंगे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोट से भाग या फिर तो किसी भी चीज़ से भाग बट्टा, पकड़ तो लूँगा मैं तुझे। तो यार वो तो तेज़ है भाई, फुल स्पीड में भगा रहा है, लेकिन हमारा हेलीकॉप्टर भी फुल स्पीड वाला है भाई। एक सेकंड किधर जा रहा है? तो राइट की तरफ जा रहा है। अबे यार कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है उसको, देखूँ कि पहले हेलीकॉप्टर कंट्रोल करूँ मैं। वेट, अभी एक काम करते हैं, मिसाइल लॉन्च करते हैं। ओके मिसाइल गई तो है। अरे बच गया वो, अबे वो बच कैसे गया? एक सेकंड यार, ये बोट को उड़ाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मिसाइल से। वेट एक और मिसाइल लॉन्च करता हूँ गैस। ये मिसाइल आएगा ऐसे एकदम बढ़िया निशाने पे गई। ओए नाइस लगी है भाई, लगी है उसके बोट पे लगी है, लेकिन उसके बोट का तो कुछ हुआ ही नहीं भाई, क्या ड्रामा है ये। अब भाई यार एक तो मेरे को ये सीन समझ में नहीं आ रहा है, इसकी बोट को कुछ होता क्यों नहीं है? मैं इतनी सारी मिसाइल्स लॉन्च कर रहा हूँ फिर भी इसकी बोट को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। ओके गाइस रुक जाओ। ओए मेरा हेलीकॉप्टर, ओ नहीं ओ मेरा हेलीकॉप्टर वो तो गया। अबे उसको कैसे पकड़ू मैं? अबे यार मिसाइल लॉन्च करने के चक्कर में हेलीकॉप्टर मैंने देखा ही नहीं, कितने नीचे लेके आ चुका हूँ। यार वो तो गया मेरे हाथ से लगता है, वो तो वो रहा जा रहा है यार बोट लेके फुल स्पीड में। मेरा हेलीकॉप्टर ही डूब गया। अबे यार वो तो भाग लिया भाई। एक सेकंड कोई गाड़ी वाड़ी? अबे लेकिन गाड़ी से मैं उसका पानी में कैसे पीछा करूँ, ये तो गलत बात है भाई। ये तो फिर से भाई पुलिस वाले के सामने से एक चोर निकल गया, ये तो फिर से बहुत ही ज़्यादा बड़ी वाली बेइज्जती हो गई। यही बेइज्जती गाइस तब भी हुई थी जब एक चोर भाई बाइक लेके निकल गया एक पुलिस वाले के सामने से, और यही बेइज्जती तब भी हुई थी गाइस जब एक हेलीकॉप्टर लेके निकल गया भाई मेरे सामने से, और फिर से एग्जैक्टली वैसी बेइज्जती हो रही है गाइस जब एक बंदा भाई पानी के रास्ते भाग लिया और मैं नहीं पकड़ पाया उसे, मेरा हेलीकॉप्टर इधर ही पानी में गिर गया। ये तो बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती वाली बात है यार। सीरियसली मैं अभी इतनी तारीफ सुन के आया हूँ, और अभी जाके अगर मैं पुलिस के हेड को बताऊँगा कि भाई मेरे सामने से एक चोर भाग गया, तो सीरियसली मैं बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन गाइस आई गेस मुझे अब एक बोट की ज़रूरत है। यस, जब चोर बाइक लेके मेरे सामने से भागा और मैं नहीं उसे पकड़ पाया, तो फिर मैंने पुलिस के हेड से डिमांड की थी बाइक की, और जब मेरे को वो बाइक मिली उस बाइक से मैंने पूरे टोटल 3 चोर पकड़े। फिर उसके बाद जब एक चोर मेरे सामने से हेलीकॉप्टर लेकर निकल गया और मैं उसे नहीं पकड़ पाया, तब मैंने LSPD पुलिस डिपार्टमेंट में डिमांड की थी हेलीकॉप्टर की, और जब से मेरे को हेलीकॉप्टर मिला तब से 5 चोर पकड़ चुका हूँ गाइस, और आज मेरे सामने से एक चोर निकल गया बोट लेके और मैं उसे नहीं पकड़ पाया। मैं चला भाई फिर से डिमांड करने के लिए एक बोट। यस गाइस मुझे चाहिए एक स्पेशल पुलिस बोट स्पेशली मेरे लिए, और फिलहाल अभी उस हेलीकॉप्टर को भी रिपेयर करवाना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा वो भी डैमेज हो रखा है भाई। कहाँ गया वो? अबे यार मिसाइल्स मैंने 2 लॉन्च की भाई, मिसाइल्स का कुछ असर ही नहीं हुआ उस बोट पे, आई गेस मिसाइल्स का निशाना चूक रहा था भाई, यही सीन हुआ होगा। एक तो ये रहा हेलीकॉप्टर,
चलो फ़ोन कर देता हूँ दूसरे पुलिस ऑफिसर्स को ताकि वो लोग इस हेलीकॉप्टर को रिपेयर करवा के मेरे घर पे पहुँचा दे। चलो भाई बहुत ही ज़्यादा गलत सीन है, मेरे सामने से एक चोर बोट लेके भाग गया। अब मैं बोट वाले चोरों को भी नहीं छोड़ूंगा गाइस। सबसे पहले तो मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन एक टैक्सी लेके। चलो भाई ये कब सुधरेंगे यार, टैक्सी वाले उधर ही छोड़ देते हैं भाई, पुलिस स्टेशन के सामने तक छोड़ देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी। चलो फिलहाल जो भी हो आ चुका हूँ मैं गाइस पुलिस स्टेशन। हेलो सर बहुत ही ज़्यादा बड़ी एक इमरजेंसी हो गई। क्या हो गया फ्रैंकलिन? सर एक और चोर मेरे हाथों से निकल गया। अरे तुम चोर पकड़ने से ज़्यादा छोड़ते ही हो क्या? अरे नहीं सर मतलब अब तो तुम्हारे पास हेलीकॉप्टर भी था। अरे सर वो इस बार चोर सर बोट से भाग गया। बोट से? ये चोर इतने अमीर हो गए कि अब इनके पास बोट भी आने लग गई। वो सर एक ज्वेलरी स्टोर लूट के और फिर भागा है बोट से, मतलब बीच पर कोई ज्वेलरी स्टोर होगा वहां से उसने ज्वेलरी स्टोर लूटा और वहां से फिर बोट पकड़ के वो पानी के रास्ते भागने की कोशिश कर रहा था। और तुमने उसे पकड़ा नहीं? सर मैंने हेलीकॉप्टर से कोशिश की, मैंने हेलीकॉप्टर से 2-3 मिसाइल्स भी उस पर लॉन्च की लेकिन मिसाइल्स का निशाना उतना ठीक नहीं जा पा रहा था। और सर मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन इस चक्कर में मेरा हेलीकॉप्टर पानी के अंदर डूब गया। ओह और तो और सर मैं बस हेलीकॉप्टर से बाहर निकला तब तक वो मेरी रेंज से बहुत दूर जा चुका था, मैं उसका पीछा भी नहीं कर पाया। तो अब कहना क्या चाहते हो फ्रैंकलिन तुम? सर मैं सिंपली ये कहना चाहता हूँ कि क्या मेरे को पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक स्पेशल बोट मिल सकती है, पुलिस बोट? ये फ्रैंकलिन अब तो ये ज़्यादा हो गया। नहीं सर ज़्यादा नहीं, एक ही बोट चाहिए। देखो फ्रैंकलिन हमने तुम्हें पुलिस बाइक प्रोवाइड की क्योंकि बाकी पुलिस वालों को भी बाइक मिली हुई है, फिर हमने तुम्हें पुलिस हेलीकॉप्टर भी प्रोवाइड किया क्योंकि बाकी सारे पुलिस ऑफिसर्स को भी पुलिस हेलीकॉप्टर मिला हुआ है, लेकिन आज तक कभी भी लॉस सैंटोस में किसी पुलिस वाले को बोट लेने की नौबत नहीं आई है। तुम इकलौते ऐसे पुलिस वाले हो जो कि एक पुलिस बोट मांग रहे हो, कहाँ से ला के दें हम लोग? सर देखो ना सर जुगाड़ हो जाए तो, वरना तो सारे ये चोर भागते रहेंगे, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, वो बोट से भागते रहेंगे पानी के रास्ते। ठीक है मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल पहली बार पुलिस की बोट बनवाता हूँ। थैंक यू सर, थोड़ा खर्चा? खर्चे की तो उम्मीद मत करना, सस्ती सी बोट बनवाने वाला हूँ मैं। तो जो भी हो सर फटाफट से बनवा दो। ठीक है बाहर वेट करो। लेट्स गो। वैसे गाइस फर्स्ट टाइम सीरियसली मैं भाई पुलिस वालों को भाई आज तक कभी भी बोट नहीं मिली है। अब तुम लोगों को तो पता ही है भाई लॉस सैंटोस की पुलिस को गाड़ी मिली हुई है ये वाली गाड़ी, फिर लॉस सैंटोस के पुलिस को ये वाली बाइक मिली हुई है, तुम लोगों को पता ही होगा भाई, फिर लॉस सैंटोस की पुलिस को वो वाला हेलीकॉप्टर मिला हुआ है जो ऊपर है, लेकिन आज तक किसी को भी बोट नहीं मिली है। मैं फर्स्ट पुलिस इंस्पेक्टर हूँ भाई जिसे बोट मिलने वाली है। वाह भाई मज़ा ही आ जाएगा, लेकिन बोट से मैं चोर पकड़ पाऊँगा और ये बोट कैसे देंगे पता नहीं, कैसी बोट देने वाले हैं। वेट करते हैं फिलहाल तो। क्या दिक्कत हो गई भाई, कैसे क्राइम कुछ ज़्यादा बढ़ गया है क्या? क्या हो गया भाई, फटाफट से रिपोर्ट लिखवानी है, लिखवाओ ना, निकलो यहाँ से। सर इसने मेरी साइकिल पंचर कर दी है। उसने तेरी साइकिल पंचर कर दी है तो इसके लिए तो पुलिस स्टेशन आया है। यस सर। अबे निकल यहाँ से चल। टाइम पास करने के लिए बंदे आ जाते हैं यार, बताओ साइकिल पंचर कर दी तो मैं क्या करूँ भाई, जाके रिपेयर करवा, इतना भी खर्चा नहीं है कि पुलिस स्टेशन आ गए तो रिपोर्ट के लिए। अरे फ्रैंकलिन सुनो फ्रैंकलिन। अरे हेड सर की आवाज। यस सर बोलो। आ गई है तुम्हारी स्पेशल पुलिस बोट। कहाँ पे? उधर की साइड। अरे वाह यार आ गई। कहाँ सर? इधर इधर ट्रक पे आई है। ओके ओके लेट्स गो। अच्छी है, इतनी भी अच्छी नहीं है बट हाँ। अबे ये तो, अरे ये तो सर वो हवा वाली बोट है। हाँ तो क्या करें हम लोग, इसी का जुगाड़ हो पाया है। अब ठीक ही है, उतनी भी कुछ खास बेस्ट तो नहीं बोलूँगा मैं। सर चलती तो है ना ये? अरे नहीं स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाई गई है, चलती तो होगी। अब इस बोट को लो और बिंदास चोरों को पकड़ो, और अब फिर मत कहना कि कोई चोर तुम्हारे सामने से बोट लेके भाग गया। थैंक यू सर फॉर दिस बोट। थैंक यू। जाओ बिंदास चोरों को पकड़ो। ओके लेट्स गो। सर मैं लेकर जाऊँ इस बोट को? अरे तुम्हारी ही बोट है ये अब। ओके ओके ओके।
तो मेरे पास अब पुलिस के स्पेशल 4 व्हीकल्स हो चुके हैं, जिसमें से एक है पुलिस स्पेशल कार, पुलिस स्पेशल बाइक, पुलिस स्पेशल हेलीकॉप्टर और साथ ही साथ अब 4th व्हीकल पुलिस स्पेशल बोट। लेकिन ये जो पुलिस स्पेशल बोट है ये काम कितनी बढ़िया तरीके से कर रही है, इसकी टेस्टिंग तो हम लोग गाइस करेंगे बीच पे पहुंच के। लेट्स गो। वैसे अभी तक तुम लोगों ने यार वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से जाओ वीडियो को लाइक करो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आ चुके हम लोग बीच पे, ये टाइम है इस पुलिस की स्पेशल बोट की टेस्टिंग का। नीचे उतारते हैं इस बोट को, आई होप बढ़िया परफॉर्म करे ये बोट। चलो भाई मुझे चाहिए एकदम फास्ट बोट जिससे मैं चोरों को आसानी से पकड़ सकूँ। ओके ओके, नॉट बैड नॉट बैड। ओके ओके, अच्छी अच्छी स्पीड अच्छी है, बस इतनी है। हेलो थोड़ी और फास्ट, बस इतनी है भाई। यार फास्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, चोर अगर मेरे आगे भाई बहुत तेज़ी में भागेगा तो क्या ही पकड़ पाऊँगा मैं उसे। अबे नहीं नहीं, इस बोट को आई गेस अपग्रेड करना पड़ेगा। पहले तो मैं सोच रहा था गाइस कि ठीक है यार अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट नहीं अब मेरे को लगता है गाइस अपग्रेड करना पड़ेगा यार। क्योंकि देखो ज़रा तुम लोग देखो, वो नॉर्मली 2 बंदे हैं दिख रहे हैं सामने की तरफ, जेट स्की पे हैं वो बंदे, ठीक है उनकी जेट स्की भी इससे फास्ट है। लॉन्डो रेस लगाओगे? नहीं लगाओगे, गोली चलाते ही देखना कितनी तेज़ भागेंगे ये। देखो अब मैं इससे मान लो रेस लगाऊं इन दोनों बंदों से, कितनी तेजी में जा रहे हैं और एक मेरी बोट देखो कितनी स्लो है। अबे रुक जाओ बे, देख रहे हो भाई तुम लोग जेट स्की वाले तलक बंदे आगे निकल जाएंगे, क्या फ़ायदा रह जाएगा पुलिस की बोट का। अपग्रेड अपग्रेड चाहिए भाई, बिना अपग्रेड के मामला ख़राब है इस बोट का। यस लेट्स गो, अपग्रेड तो करना पड़ेगा, बिना अपग्रेड के कोई फ़ायदा ही नहीं है फिर। चलो लेकिन बोट अपग्रेड करने वाले बंदे, अरे जब भाई हेलीकॉप्टर अपग्रेड करने वाले बंदे मिल सकते हैं तो बोट वाले क्यों नहीं मिल सकते। चलो भाई फटाफट से ढूंढते हैं कोई बोट अपग्रेड करने वाला बंदा और उसके पास से इस बोट को एकदम तगड़ा वाला अपग्रेड करवाते हैं। लेट्स डू दिस गाइस। बोट अपग्रेड करने वाले बंदे, पता है मेरे को एक जगह पता है, वहाँ डेफिनेटली हो जाएगी मेरी ये बोट अपग्रेड। चलो चलो जल्दी चलते हैं यार, फटाफट से इसको एकदम तगड़ी वाली पुलिस की बोट बनाऊंगा मैं, ऐसी बोट जिस पे एकदम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहे पुलिस, फिर ब्लैक एंड वाइट उसका कलर हो, एमरजेंसी 911 ऐसे सब लिखा हो, एकदम तगड़ी सी पुलिस बोट बनवाऊंगा मैं। लेट्स गो, चलते हैं इसको पहले अपग्रेड करवाते हैं। ऐसे यार ये बोट मैं ट्रक पे लेके क्यों भटक रहा हूँ, इसको यार डायरेक्ट पानी के रास्ते ही लेके आना चाहिए था। चलो फिलहाल आ चुके हैं यहाँ पे। ओके वो रहा बंदा गाइस सामने की तरफ, मैं कह नहीं रहा था एक बंदे को जान दो जो बोट वगैरह रिपेयर करता है। ये रहा भाई ये रहा, देखो इसके पास कितनी सारी बोट है, गिटार बजा रहा है अभी तो फिलहाल पानी के किनारे खड़े होके। ओए लौंडे बस सुन ले भाई, क्या कर रहा है तू? ओ तेरी सॉरी भाई। सर बोलो क्या हो गया? मेरे को भाई एक बोट रिपेयर करवानी थी। आपकी पर्सनल बोट है? नहीं पुलिस की बोट है। पुलिस वालों को भी बोट मिलने लग गई? अरे भाई मैं पहला हूँ जिसको बोट मिली है, बात सुन मेरी तू। यस सर बोलो। ये बोट है इसको तुझे फुल एकदम ट्रांसफॉर्म करना है पुलिस की स्पेशल बोट में। सर आपको जब मिली है तो ट्रांसफॉर्म क्या करवा रहे हो? नहीं ये थोड़ी वो नॉर्मल बोट जैसी लग रही है, अब तेरी ये बोट है वो येलो वाली बोट है वैसी ही तो लग रही है ये। ठीक है सर, कैसा आपको चाहिए? भाई ये थोड़ा ये देख रहा है तू, ऐसी ऐसी थोड़ी टाइप में कर दे, थोड़ी हार्ड मेटल टाइप की बोट लगे कि हाँ ये बोट है, समझ रहा है तू मेरी बात? ओके सर हो जाएगा। और ब्लैक एंड वाइट ही कलर रहना चाहिए? ओके सर आप 1 घंटे वेट कर लो, 50 लाख में हो जाएगा ये काम। बस 50 लाख में? बढ़िया है यार, ठीक है फटाफट से निपटा ये काम तू, जल्दी कर जल्दी। ओके सर लेट्स गाइस। ओके गाइस वेट करते हैं थोड़ी देर, देखते हैं हमारी बोट कैसी अपग्रेड होती है। तब तक तुम लोग जाओ गाइस वीडियो को लाइक कर दो यार अभी तक लाइक नहीं किया है तो, और थोड़ी देर बाद हमारे पास होगी एक तगड़ी वाली स्पेशल पुलिस बोट। ओके सर आपकी बोट अपग्रेड हो चुकी है। ओके देखते हैं भाई बोट को इसने कैसा अपग्रेड किया है। ओ नाइस नाइस अपग्रेड ब्रो। और अब भाई सब बोट को तो इसने बढ़िया अपग्रेड कर दिया, लेकिन यार अभी भी पुलिस वाला फील नहीं आ रहा है। क्या सर? हाँ ब्रो यार मैंने तुझे पुलिस पुलिस सब लिखने को कहा था। नहीं ऐसा तो आपने कुछ नहीं कहा था। ठीक है चल ठीक है सर, पेमेंट अभी करता हूँ। गन क्यों निकाल लेता हूँ मैं पेमेंट के नाम पे। पेमेंट डन ब्रो। सर बोट की मैंने स्पीड भी काफ़ी इंक्रीज कर दी है।
वो तो अभी पता चल जाएगा। ओके लेट मी टेस्ट दिस। ओके ओ यस, बोट की पहले से काफ़ी अच्छी स्पीड हो चुकी है गाइस। अरे वाह यार, मज़ा आ गया। अरे बढ़िया। वैसे यार इतना लंबा चक्कर काट के आया मैं बीच से, और ट्रक पे लोड करके ये बोट उधर उधर से घूम के, इससे बढ़िया पानी के रास्ते ही आ जाता, इसके पास क्या दिक्कत क्या हो जाती। मैं भी भाई एकदम ही अजीब और गरीब हूँ। खैर गाइस, ये वाली बोट हमारी अपग्रेड तो हो चुकी है, बट स्टिल कुछ पुलिस की बोट वाली फीलिंग नहीं आ रही। ना इसके अंदर कोई लाइट है ब्लू या रेड, ना ही इस पे बड़ा बड़ा पुलिस इमरजेंसी वगैरह कुछ लिखा हुआ है। आई गेस एक अपग्रेड और बनता है यार। इस वाली पुलिस की बोट को मैं एक और अपग्रेड करने वाला हूँ गाइस, और फिर देखते हैं ये पुलिस की बोट क्या लगती है, स्पेशल पुलिस की बोट या फिर नहीं। चलते हैं किसी दूसरे बोट रिपेयर करने वाले बंदे के पास और उससे करवाते हैं इसको फुल एकदम रिपेयर। लेट्स सी कैसा हम लोग इसको इनहेंस कर सकते हैं, लेट्स गो। तो इस वाली जगह को तो तुम लोग अच्छे से जानते ही होगे गाइस, ये एक बहुत ही बड़ा और फेमस बोट हाउस है जहाँ पर लोग स्पेशली आते हैं भाई यहाँ से जेट्स की वगैरह रेंट करने के लिए, और फिर उन जेट्स की को यहाँ पर चलाते हैं और मज़े लेते हैं। और यहीं पर एक बंदा है जो कि उन जेट्स की वगैरह को और साथ ही साथ बोट वगैरह को कस्टमाइज़ करता है और साथ ही साथ रिपेयर करता है, तो वो बंदा इधर ही होगा। ये देखो ये तीन जेट्स की देख रहे हो, ये उसी बंदे की है। फिर ऊपर की तरफ वो जेट्स की दिख रही है तुम लोगों को ऑरेंज एंड ब्लू कलर की, वो भी उसी बंदे की है, और शायद यही है वो बंदा अभी। हाँ हाँ यही तो है। हेलो भाई, तू ये वो जो जेट्स की वगैरह अपग्रेड रिपेयर सब करता है? यस सर, बोलो। भाई मेरी बोट को ज़रा ट्रांसफॉर्म करवाना था। ओके, पुलिस की बोट में? बस समझ गया मैं। समझ गया? यस सर समझ गया मैं कि आपको क्या चाहिए। अच्छा, खर्चा 2 करोड़। अबे पक्का समझ गया ना भाई, पता चला कुछ और ही कर दे मेरी बोट का हाल। समझ गया हूँ मैं सर, टेंशन मत लो, 2 घंटे 2 करोड़ रेडी रखो, आपकी स्पेशल पुलिस की बोट तैयार मिलेगी। ओके नॉट बैड, वेट करते हैं भाई 2 घंटे, देखते हैं क्या ही स्पेशल तैयार करता है। मैंने तो बस बोला है इससे कि भाई पुलिस की बोट बनानी है, कुछ भी भाई मैंने इसे कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया है कि ऐसा करना है वैसा करना है। देखते हैं कैसा अपग्रेड करता है ये, वेट करते हैं थोड़ी देर। कितना बड़ा स्विमिंग पूल है यार, ज़रा एक डाइव तो मारूँ। ओके सर, आपकी स्पेशल पुलिस बोट रेडी है। पर डरा ही दिया भाई तूने तो मेरे को। रेडी है पक्का? यस सर। ओह वेट, सीरियसली में? इस पे देखो कितना बड़ा बड़ा इसने पुलिस भी लिखा है। अरे वाह, ओ तेरी भाई साहब, ऊपर भी पुलिस लिख दिया इसने, एमरजेंसी डायल 911। अरे वाह यार, ये तो लिटरी में भाई, और कितना बड़ा स्पेस है अंदर, बारिश बारिश भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आराम से बोट चला सकते हैं। अरे भाई यार, तूने बोट तो बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था उससे भी तगड़े लेवल का अपग्रेड कर दिया है। 2 करोड़ सर। अभी देता हूँ भाई। अरे भाई साहब यार, मैंने ऐसा कुछ तो एक्सपेक्ट नहीं किया था बिल्कुल भी, इसने तो जैसा मैंने सोचा था उससे भी तगड़ा। ये ऊपर जो पुलिस लिखा हुआ है ये घूमता भी है, ये एक्चुअली में एक रडार है जिससे हम लोग चोर की बोट को डायरेक्ट ट्रैक कर सकते हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी चीज़ हो गई यार, लाइट भी है इसके अंदर। अरे वाह मज़ा आ गया, क्या स्पेशल पुलिस की बोट मिली है। तुम लोगों को कैसी लगी गाइस ये वाली बोट, फटाफट से जाकर यार कमेंट में बताओ, पर लिटरली में बहुत ही एपिक है, बोट देख के तो दिल खुश हो गया। कैसी लगी ये बोट अभी के अभी जाकर कमेंट में बताओ, और तुम लोगों को भाई सबसे ज्यादा बढ़िया व्हीकल कौन सा लगा मेरे स्पेशल व्हीकल्स में ये भी जाकर बताओ यार, मेरी स्पेशल पुलिस की सुपर कार, स्पेशल बाइक, या फिर अपने स्पेशल पुलिस हेलीकॉप्टर, या फिर अपनी नई नवेली स्पेशल पुलिस बोट, कौन सा व्हीकल सबसे ज्यादा एपिक लगा कमेंट में बताओ। बाकी वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। और ये अभी नॉर्मल स्पीड है, बिल्कुल एकदम नॉर्मल वाली। इसकी मैक्सिमम स्पीड दिखाऊं तुम लोगों को? इसकी स्पीड को किया मैंने हाई, और अब देखना तुम लोग इसकी स्पीड, ये है गाइस इसकी मैक्सिमम स्पीड। अब देखना अभी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, ये फुल एकदम बढ़ती जा रही है धीरे धीरे करके, और इसी के साथ और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इसी के साथ और क्रेजी हो चुकी है। और ये है गाइस इस बोट की मैक्सिमम स्पीड जो कि तुम लोग देख सकते हो भाई, लिटरली में मुझे नहीं लगता इससे फास्ट कोई बोट होगी पूरे लॉस सैंटोस में। भाई साहब ये तो पूरी एकदम डॉल्फिन की तरह छलांगे मार रही है मेरी बोट, लिटरली में क्या एपिक स्पीड हो चुकी है यार इस बोट की। अरे वाह भाई,
किसी चोर को बिल्कुल आराम से मैं पकड़ सकता हूँ और जहाँ चाहूँ वहीं रुक जाती है। ऐसा नहीं है, वरना पानी की बोट के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि फास्ट स्पीड में जाती है लेकिन रुकने में भी उतना ही टाइम लगता है। लेकिन इस बोट को मैं जहाँ चाहूँ वहाँ रोक सकता हूँ। देखो अभी फुल स्पीड में जा रही है ना ये बोट, रोक दो यहीं पर। ये लो भाई रुक गई, एग्जैक्टली जहाँ चाहूँ मैं वहाँ रोक सकता हूँ। बहुत क्रेजी चीज़ है यार ये तो इस बोट की। लाइट्स फिलहाल इसके अंदर ज़्यादा नहीं है भाई, पता नहीं क्यों। लाइट्स थोड़ी बहुत और लगवा लूँगा मैं, दिक्कत क्या है। फिलहाल तो गाइस तुम लोगों को आज की ये वाली वीडियो बढ़िया लगी हो तो वीडियो को जाकर लाइक कर देना, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और अगर तुम लोगों ने पूरी की पूरी पुलिस सीरीज को नहीं देखा है कि भाई किस तरीके से मैं पुलिस वाला बना और किस तरीके से मैंने ये सारे व्हीकल्स अपग्रेड किए, अगर तुम लोग देखना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके पूरी सीरीज को देख सकते हो। बाकी शिनचैन पिनचैन इस बोट को देखकर बहुत चिढ़ने वाले हैं। जो भी हो, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए गुड बाय।